गैरत्रासदी राहत एवं पुनर्वास पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री आरिफ अकील रविवार को नसरुल्लागंज के कृषि उपज मंडी प्रांगण में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी एवं अधिकारियों को जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए। प्रभारी मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। वहीं प्रभारी मंत्री आरिफ अकील द्वारा पट्टेधारियों को आवास के पट्टे वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरिफ अकील ने सख्त लहजे में अधिकारियों को कहा कि अधिकारी ग्रामीणों की समस्याएं सुने और उन समस्याओं का शीघ्र निदान करें, इसमें किसी भी प्रकार की अनदेखी न करें। वहीं जनता को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने जो आप सबसे जो वादा किया पूरा होगा, आपके जो भी काम है वह पूरे होंगे और जो सरकार ने आपको वचन दिए हैं उन सभी वचनों को पूरा करेगी। हम तो 15 साल के गड्ढे को खोद रहे हैं, खुद खोदने में हमें टाइम तो लगेगा। हम समझ रहे थे 15 साल बाद जब हम बुद्धि विधानसभा में जाएंगे ये चमन बना हुआ होगा, ऐसा लोग सोच रहे थे कि बहुत बड़ा कहीं बड़े बड़े शहरों के मुकाबले में विकास होगा। वो यहाँ जब आओ, जब रोड नाली आवाज बेरोजगारी सब सामने आती है, खेल मैदान स्कूल सब सामने आ रहा है। ये 15 साल के गड्ढे का पूरा करने के लिए हमें थोड़ा सा समय और दो, हम गड्ढा पूरा करेंगे। एक बार समझ लो, गंभीर हो तो आप जिस तरीके से बाइक कर रहा हूँ ले रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ किसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात समझ लो, मुंगेरी लाल के सपने अब देखना बंद हो गए। पहले जब वो चलते थे 20-25 लोगों की भीड़ उनके साथ होती थी, अब कल विधानसभा में अपने अपनी विधानसभा में प्रदर्शन किया, पंचायत लगाई, 3-4 दिन निमंत्रण बांटे, पीले चावल बांटे, उसके बाद 300 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, तो आप देख लो उनका खिलाफ कहा उनकी करनी हो गई कहाँ चली गई। अब मुंगेरी लाल के सपने दिखाना उनका फन हो गया, लोग उनकी भावनाओं में बहने वाले अब नहीं है। यूरिया संकट से निपट, यूरिया संकट नहीं है, यूरिया मिल रही है, पर्याप्त मिल रही है, और जो रही सही कसर है वो 10 तारीख तक पूरे जिले में यूरिया मिल जाएगी, सबको यूरिया मिलेगी। और अगर यूरिया नहीं मिल रही होती तो जो अगर खिलाफ रैली हुई है 300 आदमी को, 25-30 हजार आदमी तो होते कम से कम, यूरिया मिल रही है इसीलिए तो लोगों ने कहा हम बोनी करेंगे, हम खेती करेंगे, हम तुम्हारे बेकाबे में नहीं आएंगे, तुम अपनी रोटी मत सेको हमारे साथ। अब कोई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा, बेईमानी करेगा, शिकायत मुझे करेगा, अभी एक यूरिया की शिकायत आई, मैंने अपने अधिकारियों को संबंधित शिकायतकर्ता के साथ भेज दिया, जाके छापा मारो।